गाइस अगर आप एचपी कंपनी का इंक टैंक प्रिंटर यूज करते हैं और आपको अपने प्रिंटर में प्रिंट देने के बाद पेपर जाम का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि आपका प्रिंटर पेपर को ठीक से पिकअप नहीं कर पा रहा है, या फिर जैसे ही आप अपने प्रिंटर में प्रिंट कमांड दे रहे हैं तो उसमें से एक फॉल्स साउंड आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन दिखाने वाला हूं। चाहे आप एचपी का कोई भी इंक टैंक प्रिंटर यूज कर रहे हो, सभी में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये प्रोसेस एचपी के सारे इंक टैंक प्रिंटर में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको कैसे करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रिंटर का मॉडल दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये है एचपी का इंक टैंक वायरलेस 419। तो इस प्रिंटर का प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम प्रिंटर में प्रिंट दे रहे हैं या फिर जेरोस करने के लिए कोई प्रिंट कमांड दे रहे हैं तो ये प्रिंटर पेपर को पिकअप नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रिंटर को ऑन कर लिया। अब मैंने प्रिंटर में पेपर ऑलरेडी लगा के रखा है, तो मैं अभी जेरोस का बटन प्रेस करता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं प्रिंटर पेपर को पिकअप नहीं कर पा रहा है। कोशिश कर रहा है पेपर पिकअप करने का लेकिन पिकअप नहीं कर पा रहा है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर इरेजर का लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। इस प्रिंटर को खोलने के लिए आपको टोटल 4 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ये सामने का पोर्शन इस तरह से खोल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सामने 2 स्क्रू आपको मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए गाइस यहाँ पर मैंने पहले से खोल रखा है, और एक स्क्रू मिलेगा आपको यहाँ पर, और 2 स्क्रू आपको पीछे मिलेंगे। इसे आप थोड़ा सा इस तरह ऊपर कीजिएगा। एक स्क्रू आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर, और एक स्क्रू आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए गाइस यहाँ पर। इन चारों स्क्रू को आपको खोलना है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका प्रिंटर पेपर पिकअप नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप प्रिंटर से पेपर को निकाल दीजिएगा। पेपर को निकालने के बाद ये जो कवर है इसे इस तरह खोलिएगा। खोलने के बाद प्रिंटर के अंदर इस जगह पर आप अंदर तक टॉर्च जलाकर या फिर मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर पहले अंदर देख लीजिएगा कि कहीं इसके अंदर कुछ गिरा तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर हमारे अनजाने में पेन का ढक्कन या फिर स्टेपलर के पिन वगैरह यहाँ पे घुस जाते हैं, जिसकी वजह से भी पेपर पिकअप होने में प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ पे कुछ आपको दिखा तो उसे आप एक चिमटे की मदद से निकाल दीजिएगा, और अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा उसके बाद ही प्रिंटर खोलिएगा। और एक वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, हम जो पेपर इस प्रिंटर में यूज करते हैं ध्यान रखिएगा कि वो मिनिमम 80 GSM का होना चाहिए। अगर आप 80 GSM से कम GSM का पेपर यूज करते हैं, यानी कि 70 GSM या फिर 75 GSM, तो भी आपके प्रिंटर में पेपर पिकअप का प्रॉब्लम आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्रिंटर पेपर पिकअप नहीं कर रहा है तो आप पहले ये देखिएगा कि आप कितने GSM का पेपर उसमें यूज कर रहे हैं। अगर आपके पेपर का GSM 70 GSM है या फिर 75 GSM है तो आप मिनिमम 80 GSM का पेपर लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा कि 80 GSM या 90 GSM के पेपर में भी पेपर पिकअप का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। आप जिस भी कंपनी का पेपर यूज करते हैं उसके पैकेट के ऊपर ही उसका GSM लिखा हुआ रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जेके मैक्स कंपनी का पेपर है। देखिए ये पेपर GSM 70, यानी कि ये 70 GSM का पेपर है। तो चलिए, अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके प्रिंटर में नहीं है, उसके बाद भी आपके प्रिंटर में पेपर जाम हो रहा है, तो आपको अपने प्रिंटर को खोलना है, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले प्रिंटर को पावर ऑफ कर लीजिएगा, प्रिंटर के सारे कनेक्शंस खोल लीजिएगा। उसके बाद आपको सामने के 2 स्क्रू और पीछे के 2 स्क्रू खोलने हैं। अब आपको प्रिंटर के दोनों साइड इस तरह हाथ लगाना है और ऊपर की तरफ पुश करना है। देन यहाँ पर इस तरह से पकड़कर एक नाइफ लीजिएगा, या आपके पास कुछ और टूल हो तो उसका यूज कर लीजिएगा। अगर नाइफ यूज करते हैं तो केयरफुली कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ में लग सकता है। इस जगह पे लगाकर थोड़ा सा इस तरह, यहाँ पे एक लॉक होता है, उस लॉक को आप खोल दीजिएगा। अब आपको इस स्कैनर यूनिट को थोड़ा सा धीरे से इस तरह से उठाना है। उठाने के बाद इसके अंदर में आपको 2 केबल दिखेंगे, ये देखिए गाइस। एक केबल ये व्हाइट कलर का यहाँ पर है, और एक केबल ये देखिए ये ब्लैक कलर का यहाँ पर है। इन दोनों केबल्स को आपको खोल लेना है। सबसे पहले केबल को धीरे से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लीजिएगा तो ये खुल जाएगा। तो ये मैंने दोनों केबल्स को धीरे से ऊपर की तरफ खींच लिया है, अब ये दोनों केबल खुल गए हैं। अब हमें इसे धीरे से इस तरह उठाकर इस स्कैनर यूनिट को साइड में रख देना है। अब देखिए गाइस, ये हमारा प्रिंटर पूरी तरह से हमारे सामने खुल के आ गया है। अब आपको एक बार फिर से इन सब जगहों में चेक कर लेना है कि कहीं यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है जो कि प्रिंटर में फंस रहा है। अगर आपको वैसा कुछ नहीं दिखता है तो अब आपको इस हेड कैरेज को धीरे से इस तरफ कर देना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इसका एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे आपको धीरे से खोल लेना है। इसका केबल यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसमें 2 सेंसर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
कभी कभी क्या होता है, इन दोनों सेंसर में गंदगी आ जाती है, धूल वगैरह घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे प्रिंटर में काफी सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको इन दोनों सेंसर्स को सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है। इन्हें साफ करने के लिए आप इस तरह का एक साफ ब्रश यूज कर सकते हैं। इस ब्रश की मदद से आप इस तरह से इन दोनों सेंसर्स को पहले साफ कर लीजिएगा। तो मैंने इन दोनों सेंसर्स को अच्छे से साफ कर लिया है, अब मैं इसे साइड में रख देता हूँ। अब देखिए प्रिंटर के अंदर यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी हुई है, ये देखिए गाइस, इसे एनकोडर स्ट्रिप कहा जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मैल बैठ गया है, ये देखिए ब्लैक ब्लर कलर का दिख रहा है। इसे भी आपको एक साफ कॉटन के कपड़े से साफ करना है, या फिर आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे भी एक पार्ट्स लगा हुआ है प्रिंटर के ठीक अंदर, यहाँ पे ये जो गियर आपको दिख रहा है उसके साथ लगा हुआ है, देखिए उसे भी आपको बहुत अच्छे से साफ कपड़े से साफ करना है। इस तरह आपको एक बिल्कुल साफ कॉटन का कपड़ा लेना है और इसे धीरे धीरे इस तरह से साफ करना है। तो मैंने इसे साफ कर लिया है, अब हम इसे साफ करेंगे, इसके अंदर जो स्ट्रिप लगी हुई है उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कपड़ा पकड़ेंगे एक हाथ से इस तरह से कुछ, और ये जो गियर यहाँ पे है इसे घुमाएंगे। इस गियर को हम जैसे ही घुमाएंगे तो वो अंदर का जो स्ट्रिप है वो ऑटोमेटिक साफ होता रहेगा। मैं इन पार्ट्स के बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको बस जितना जरूरत है मैं उतना ही बताने की कोशिश करूंगा। इस तरह इसे भी घुमा घुमा के आपको साफ कर लेना है। ये देखिए गाइस कितनी गंदगी थी इसके अंदर, जो कि अब साफ हो चुकी है। तो अब हमें इस प्रिंटर को फिर से फिट कर लेना है, और फिट करने के बाद हम फिर से देखेंगे कि अब ये पेपर को पिकअप कर पा रहा है या नहीं। जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब करने के बाद भी अगर आपका प्रिंटर पेपर पिकअप ठीक से नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि आपको पेपर पिकअप का सेट चेंज करना पड़े। उस केस में आपको इसे सर्विस सेंटर में ले जाकर दिखा लेना सही रहेगा। तो चलिए अब मैं इस सेंसर को फिर से लगा देता हूँ। अब इस केबल को लगाने के बाद हमें स्कैनर यूनिट को लगाना है। स्कैनर यूनिट का एक केबल यहाँ पे लगेगा और एक केबल यहाँ पे लगेगा, इसे आपको बहुत केयरफुली लगाना है। ये वाला केबल इजीली लग जाएगा, लेकिन इस केबल को आप थोड़ा केयरफुली लगाइएगा। आप इस कवर को इसके ऊपर पहले इस तरह से रखिएगा, आप पहले इस केबल को लगा लीजिएगा उसके बाद इस केबल को लगाइएगा। तो मैंने दोनों केबल्स को लगा लिया है, अब मैं इस प्रिंटर को फिट कर दूंगा। अब पहले मैं एक प्रिंट आउट करके चेक करूंगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, इसके बाद इसके स्क्रू लगाऊंगा। अब फिर से मैं इस प्रिंटर में एक जेरोक्स का कमांड देता हूं और देखता हूं कि क्या होता है, इस बार प्रिंटर पेपर को पिकअप कर पाता है या नहीं। गाइस आप देख सकते हैं प्रिंटर ने इजीली पेपर को पिकअप कर लिया बिल्कुल एक ही चांस में। और ये हमारा पेपर प्रिंट होके आ गया है। मैंने इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दिया था वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये डॉक्यूमेंट उसके अंदर मैंने डाला था, इसका जेरोक्स होके आ गया है। तो गाइस इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आई होप कि आपका प्रिंटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका प्रिंटर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे किसी एक्सपर्ट को दिखा दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।